नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। हरदोई में आरपीएफ के द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्था को लेकर चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत दो एक्सप्रेस ट्रेन के लगेज डिब्बे में यात्रा करना 21 यात्रियों को भारी पड़ गया। हरदोई स्टेशन पर आरपीएफ की चेकिंग में सभी को पकड़ लिया गया। 4 लोगों को थाने से ही जमानत दे दी गई, वहीं 17 लोगों को मेडिकल करवाकर उनका चालान कर दिया गया। आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक योगेश यादव की टीम ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। बताया कि यह अभियान इस समय महिलाओं के साथ पार्सल यानों की सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आरपीएफ विभाग ने काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस और पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेनों की चेकिंग की, तो काशी विश्वनाथ में 11 यात्री लगेज डिब्बे में बैठकर यात्रा करते पाए गए। वहीं पद्मावत एक्सप्रेस में 10 लोग लगेज डिब्बे में बैठे मिले। आरपीएफ ने सभी यात्रियों को उतार लिया और उन पर एफआईआर दर्ज कर दी। 4 लोगों ने जमानत का इंतजाम कर लिया, जिन्हें थाने से ही जमानत दे दी गई। बाकी 17 लोगों का जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उन्हें बरेली भेज दिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि पकड़े गए यात्री कानपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और रायबरेली समेत अन्य जिलों के थे। आरपीएफ प्रभारी योगेश यादव ने बताया कि लगेज डिब्बे में यात्रा करना अपराध है और इसी के चलते सभी 21 को पकड़ा गया। पकड़े गए सभी यात्रियों को बरेली में लिंक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल हरदोई द्वारा जो है प्रशासन के निर्देश पर रेलवे स्टेशन हरदोई से गुजरने वाली ट्रेनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खासतौर से महिला कोचों में यात्रा करने वाले और एसएलआर के अंदर जो चोरियों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 21 तारीख को 11 आदमियों को काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के एसएलआर से और आज 22 तारीख की डेट में पद्मावत एक्सप्रेस के एसएलआर से 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है 156 रेलवे एक्ट के तहत। क्योंकि जमानती अपराध है, इसलिए दोनों में कुछ लोगों द्वारा अक्यूज द्वारा डिमांड करने पर कुछ लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया है, कुछ लोगों को माननीय न्यायालय मेडिकल कराने के बाद पेश किया जा रहा है। और ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हों और महिला कोच में यात्रा न करें, एसएलआर में बैठ के यात्रा न करें, इसको ध्यान में रखते हुए ये अभियान विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कार्रवाई की गई है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।